हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं सत्तू के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, इन लड्डुओं को हमने कैसे बनाया, बहुत ही आसान है। ये 10 मिनट के अंदर लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक बाउल में 1 किलो सत्तू है, यानी कि सत्तू का आटा भी बोल सकते हैं, और ये है पिसी चीनी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और देसी घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स, हमने गर्म होने के लिए गैस पे रख दी थी। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी है आई थिंक 1 कप के करीब घी लगेगा इन लड्डुओं को बनाने में, और लास्ट में जब हम लड्डुओं को बनाएंगे तब थोड़ा सा घी और लगेगा। तो घी गर्म हो जाने पे हम इसमें सत्तू को भुनेंगे। तो सत्तू को धीमी आंच पर भुनना है फ्रेंड्स। सत्तू को भुनने से इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब लड्डू बनकर तैयार होंगे तो लड्डुओं में एक अलग ही सौंधापन होगा, यानी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। सत्तू के लड्डू लोग गर्मियों में ही खाते हैं बनाकर, यानी कि सत्तू के लड्डू और सत्तू का सेवन गर्मियों में ही करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमने भून लिया है। 5 मिनट लगातार चलाते हुए हमने देसी घी में सत्तू को अच्छे से भून लिया है। इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने बारीक कट करके बादाम लिया है, और कद्दूकस किया हुआ नारियल है थोड़ा सा, और ये किशमिश। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को भून कर भी डाल सकते हैं। और ये हम पिसी चीनी ऐड कर रहे हैं। इन लड्डुओं को गुड़ में भी बनाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बड़े बर्तन में यानी कढ़ाई में ही हम इसको मिक्स करेंगे ठीक से सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, 3-4 चम्मच के करीब। फिर हम उसके बाद में लड्डू को बनाएंगे। तो हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे ठीक से, और एक एक करके लड्डुओं को बना लेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, कम से कम 10 मिनट लगता है इन लड्डुओं को बनाने में। तो टोटल टाइम हमें 10 मिनट ही लगा है, यानी कि 4 से 5 मिनट के करीब हमने सत्तू के आटे को देसी घी में भुना है स्लो फ्लेम पर। और बाकी का टाइम आप देख पा रहे हैं जितनी देर लड्डू बनने में लगता है, 4 मिनट 5 मिनट, यानी कि 10 मिनट में ये लड्डू बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी कि आप आराम से 15-20 दिन तक आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के इनका सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर आप इसमें खोया वगैरह ऐड करते हैं तो आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लड्डुओं को बना लेंगे। इन लड्डुओं को आप चाशनी में नहीं बांध सकते हैं फ्रेंड्स, ये लड्डू देसी घी में ही बनते हैं, या तो चीनी में या तो गुड़ में। और आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको तगार बोलते हैं, वो भी डालकर बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लिया है, और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और जब इन्हें आप रख देंगे रात भर के लिए, तो सवेरे के टाइम अगर आप खाएंगे तो ये काफ़ी टाइट हो जाते हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं लड्डू। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स मेरे तरीके से सत्तू के लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।